अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम जी, वेलकम। कैसे हो आप? सब ठीक हो? कमेंट जरूर दस्यो। अज सुबह सुबह उठण दा मकसद की सी? मेरा मकसद जानन लई तुसी पूरा व्लॉग चेक करो, चंगा होसी इंशाल्लाह। आज तो मौसम भी बड़ा फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। इट्स गोइंग टू बी अप टू लाइक 18 डिग्री सेल्सियस, सो मज़े ना मौसम फुलिया मारसा। बस मैं आलमोस्ट तकरीबन 10 मिनट पहले उठा हूँ, ठीक है। बस कपड़े छपड़े लगाए और मुंह वही है, बदल नहीं सकते, बाल वही हैं। जो स्टोरी पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दी थी उनके साथ हुआ क्या है, मेरे बालों के साथ। और बस फ्रेश होके अभी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि हैप्पीनेस डेज चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों जा रहा हूँ? ये एक सीक्रेट बात है यार, सीक्रेट तो नहीं है, खैर इतनी अच्छी खास बात भी कोई नहीं है। तो बस ये है कि यूनिवर्सिटी जा रही थी कहीं, तो मैंने कहा चलो मुझे भी ले चलो। तो जैसे बच्चों का ट्रिप ट्रिप जाता है ना, वैसा वाला स्टोरी है सारी। तो मैंने बोला फिर हम भी चलते हैं, इट्स बेटर टू गो एज़ कम्पेयर टू स्टे होम। ये हुआ ये कि बस मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले उठूँ और बस तैयार होकर फ़ौरन यूनिवर्सिटी चला जाऊँ। और क्योंकि मैं सहरी करके सोया था, रात को मेरी जॉब थी, तो मैं जागता रहूं। जॉब के लिए डेफिनेटली जागना पड़ता है ना, सोने के पैसे तो नहीं मिलते ना। तो वो फिर ये सीन हुआ कि मैं दोबारा सो गया, शुक्र है मेरी आंख खुल गई। लेकिन वो जो 10 मिनट का क्वेश्चन था ना, वो भी ख़त्म हो गया। फिर मुझे बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ा और अब मैं तकरीबन समझ लो कि मेरी जो है स्पीड अच्छी खासी तेज़ है, कि मैंने यूनिवर्सिटी पहुँचना है और मैं लेट हो गया हूँ। हमेशा ही लेट हो जाता हूँ, वो कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूँ मैं, वो स्टोरी हो गई है। जैसा कि पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि सेमेस्टर वगैरह ख़त्म हो गया, हैप्पीनेस डेज चल रहे हैं हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह उठो और आपको सोचना पड़ता है मैं आज करूँ क्या, फिर आप सो जाते हो बस। तो अच्छी लाइफ भी होती है, ये नहीं है कि स्टूडेंट की लाइफ में भागना ही पड़ता है, अच्छी लाइफ भी आती है, लेकिन वो 4 महीनों के लिए होती है। बाय द वे ये तो मैं बताना ही भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हुई है जॉब नहीं ना न्यू ग्लासगो में, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ न्यू ग्लासगो में होपफुली इस महीने के एंड तक। और उसका भी व्लॉग बनाऊंगा, बताऊंगा कौन सी जॉब है, क्या सीन है उसका, बट ये कि इट्स अ गुड वन। फाइनली जी हम पहुंच गए हैलिफैक्स में, लगता है कनाडा में आ गए जंगल से उठ के। फाइनली लंबी बिल्डिंग देखने को मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस क्या बोलोगे आप यार? बस कुछ नहीं मानव भाई। भाई क्या ब्रिज है, क्या ब्रिज है, वाह क्या फ्लाइंग कर रहे हैं। ऐसे लगता है हमारे साथ स्कैम हुआ है। क्यों? एंटी कॉलेज में $40,000 ले लिया, वहां पे कुछ भी नहीं है। भाई इतने साफ सुथरे ब्रिज, लोगों को कूदने का मन कर जाएगा उधर से। ये भी है। नहीं ठंडा होगा पानी भाई। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके?
रोहित तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है। एक कुछ भी होता है, बहुत मजा आएगा देखो। 1 2 3 4 दूध की कटोरी काका चो जा। लेकिन इसमें नीचे चैन नहीं है। Look at the dog. वैसे भी तो वसूली 30 डॉलर का थोड़ा कीमत भाई, तो ये तो बस कंफर्टेबल नहीं, मतलब ये भी लिया था 30 डॉलर, मतलब कितने 150 होंगे 30 डॉलर 500 से वो इंडिया से कैसे है। मिस कर रहा हूँ पल। वो निकाय डस है नहीं जी। That's a nice one. Thank you. और ये मिले है ही बंद। ओ ये भी बंद है।
बैक टू होम, बैक टू लाइफ। ये रहा, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दो। नहीं लगा तो फिर भी कर दो।